चलिए फिर साग बनाने वाले हैं मूली का कस, क्योंकि अब बाजार में मूली आने लग गई है, तो मेरा मन हुआ कि चलो आज मूली का कस बनाते हैं, जो काफ़ी अच्छा लगता है और अपने आपके अपने YouTube फैमिली के साथ। फ्रेंड्स, आज बनाते हैं मूली का कस, जिसके लिए मैंने हाफ मूली ले ली है और दो टमाटर को काट लिया है, एक नींबू ले लिया है, दो हरी मिर्ची ले ली है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। मूली को पहले कस लेते हैं। ये मूली मैंने कस ली है, बट इस छोटे वाले से कसी है, बारीक वाले से। ये आप देख सकते हैं मैंने ये मूली को बारीक बारीक उससे ये कस लिया है, मोटी वाले से नहीं कसा है, क्योंकि बारीक वाले से ही कसेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। चलिए अब इसके अंदर इसको तैयार करते हैं। चलिए अब एक इसको एक बाउल में कर लेते हैं। ये कस काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत जल्दी बनके भी तैयार हो जाता है। आप इसको आराम से बना सकते हैं, बिल्कुल इजी। आप एक बार इस तरीके से बनाएंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगने वाला है ये। फ्रेंड्स, बहुत टेस्टी लगता है ये खाने में, बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लगता है। ये मैंने पूरे एक बाउल में कर लिया है। अब इसके लिए मैंने ये दो टमाटर काट लिए हैं, दो हरी मिर्ची काट ली है और एक नींबू काट लिए हैं। चलिए अब इसमें मिला लेते हैं। ये इसमें जो कटी हुई हरी मिर्ची से अच्छे से इसे मिला देते हैं। ये टमाटर मैंने वो काट के रखा है, वो इसमें मिला देते हैं और इसको अच्छे से सारा मैश कर लेंगे, सारा मिला लेंगे, मिक्स कर लेते हैं, सारा ऊपर नीचे करके सारा मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये आप देख सकते हैं सारा अच्छे से ये मिक्स कर लिया है। बनाते हैं इस टाइप से। इसमें ये नींबू निचोड़ लेंगे, इसमें अंदर एक नींबू पूरा इसमें मिला लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा इसके बीजे मैंने निकाल लिए थे, बस एक बीजा इसके अंदर रह गया तो इसलिए इसमें गिर जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको अलग से अपन निकाल सकते हैं। इस तरीके से हाथ से ही इसे निकाल देंगे। इसमें थोड़ा सा काला नमक ऐड करेंगे, क्योंकि काले नमक इसमें काले नमक का फ्लेवर बहुत ज़्यादा ही अच्छा आता है। अब इसमें थोड़ा सा सादा नमक भी ऐड करते हैं, हल्की सी, बिल्कुल बहुत थोड़ी सी मैंने लाल मिर्ची ऐड करी है। आपको ज़रूरत हो तो मिलाइए, नहीं ज़रूरत हो तो बिल्कुल नहीं मिलाइएगा, स्किप भी कर सकते हैं उसे। और ये सारा अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। चलिए अब इसमें थोड़ा सा डाल देते हैं हरा धनिया। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लगता है। अगर आप डालना चाहो तो इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हो, बट इसमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस इतना ही काफ़ी होता है, बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है ये खाने में। बनके अपना पूरा सैलेड तैयार हो चुका है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय, नेक्स्ट रेसिपी में फिर मिलते हैं, सिंपल साधारण रेसिपी में। बाय बाय।